आज भगवान भोले बाबा रास लीला में पधारे हैं। रास लीला में बाबा जब आए हैं तो रास लीला में भी पांच जगह चेकिंग होती थी, ऐसे तो थी नहीं कि एंट्री ऐसे ही हो जाए, नो नो नो, ऐसी एंट्री नहीं, वहां भी पांच चेक पोस्ट लगे हुए थे, पांच पांच जगह चेकिंग होती थी। पहली चेकिंग कहाँ हो रही थी? पहली चेकिंग पर किशोरी श्री राधा जी खड़ी, राधा जी जैसी खड़ी पहली चेकिंग पर, जैसी पार्वती मैया को देखा बोले आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, और जैसी पार्वती जी के पीछे देखा महाराज, बोले ये कौन है, ये कौन है, वो ये है, ये हमारी बड़ी भाभी है। आपकी बड़ी भाभी है? काफी खाते पीते घर की लग रही। बोले उधर उधर तरफ की है, उधर जरा भिंड मोरेना तरफ की है, थोड़े खाते पीते घर की है, थोड़ा लंबी चौड़ी लग रही महाराज। बोले ठीक है, अब जब रिश्तेदार है तो कोई बात नहीं, एंट्री हो जाए महाराज। तो रिश्तेदार कह करके एंट्री हो गई। अच्छा जब SP ने पास बना दिया तो होमगार्ड को क्या पड़ी? ये भाई पानी जो बालक पिला रहा है, ये तीन चार बच्चों को खड़े कर करके पिला रहा साथ में, ये नहीं बाबू बेटा को, जो बेटा है उनसे बोलो ये बैठ जाओ, इतने लोग खड़े होकर के सामने हमारे खड़े हो जाओगे तो हमें तकलीफ होगी। इतने लोगों को सामने खड़े होने की अनुमति नहीं, आप पीछे पानी रखिए, जिसको प्यास लगी हो आप पीछे तरफ से जाइए, गैलरी के बीच से मत पिलाइए, ये सबसे प्रार्थना है। और एक लोग रहेगा, अगर कोई पिलाएगा भी तो एक केवल बालक रहेगा, बहुत लोग नहीं, ये प्रार्थना निवेदन, बैठ जाए। आज भगवान भोले बाबा महाराष्ट्र में जब पहुंचे हैं तो पहली चेकिंग पर तो राधा जी ने देखा तो कहा कि चलो बड़ी भाभी है तो कोई बात नहीं, भीतर एंट्री हो जाए। अच्छा जब SP ने पास बना दी तो होमगार्ड को क्या पड़ी? तो ललता विशाखा भद्रा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा पांच ही चेकिंग पे DM खुद ही खड़े, वहां कोई हालत नहीं महाराज, वहां कोई हिसाब किताब नहीं, पांच ही चेकिंग पे तो DM खुद ही खड़े, वहां भगवान कन्हैया खुद ही खड़े महाराज। और ये क्या करते थे? ये सबका पांव चेक करते थे, पांव। अच्छा माताओं का पांव तो मतलब आप लोग जानते ही, मतलब माताओं का पांव तो साफ सुथरा होता, मान लो देव मांझ के साफ करके रखते, और आप लोगों का पांव तो ईश्वर ही जाने महाराज, करिया मरिया पांव तमाम दखनी को कांटो लगो, जिंदगी में ना आप धो ना मांझो, वैसे ही पांव आपको होते हैं। तो महाराज जैसे ही पार्वती मैया का पांव देखा बोले ठीक है आगे बढ़िया आगे बढ़िया, जैसे ही इनका पांव देखा और पांव से इनको ऊपर तब देखा तो बिहारी जी ने कहा ये कौन है, ये कौन है, इनको तो कभी हमने देखा नहीं आज तक, आज ये पहली बार आई है, ये कौन है? पार्वती जी ने कहा ये हमारी नई पड़ोसी है। आपकी पड़ोसी? आपकी पड़ोसी कैसे हो सकती है? आप तो कैलाश पर्वत पर रहती है, और कैलाश पर्वत पर आप अकेली रहती है, वहां तो कोई नई कॉलोनी भी नहीं है, नया कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, नई प्लॉटिंग भी नहीं है, ये आपकी पड़ोसी कैसे हो सकती है? पार्वती मैया ने कहा हमने खूब रोको तो नचन मानते ही नहीं, हम ये बताओ क्या कह दे, नहीं पड़ो आपकी पड़ोसी है, आपकी पड़ोसी क्या नाम है, नाम क्या है? पार्वती जी ने कहा बताओ क्या बताए दे, का नाम है तुम्हारा, क्या बताए दे? भोले बाबा ने कहा कि कह दो त्रिलोचना देवी इमरजेंसी में धरोगो महाराज। तो त्रिलोचना देवी पता कैलाश नगर नोट हो गया, एंट्री हो गई और भोले बाबा बैठ गए। अब एंट्री जब हो गई तो बाबा घूंघट मारे बैठे, महारास होने लगा, रास लीला होने लगी, अंगना मंगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिकाम बल्लवा होने लगी रास लीला। अच्छा जैसे ही रास लीला शुरू हुई तो भोले बाबा जैसे ही रास लीला देखने के लिए घूंघट उठाए तो बदाढ़ी निकल आए महाराज, एक समस्या बस समस्या ही समस्या, अब बदाढ़ी निकल आए। भोले बाबा ने कहा कि देखो ऐसा है, अब चाहे दिखाई पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम भी पकड़े जाएं। तो अब बाबा घूंघट मारे चुपचाप बैठे महाराज, लेकिन अब चुपचाप बैठे तो कैसे बैठे, वो जो ऊपर वाला सांप था ना वो कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन, वो चुपचाप बैठे ही ना महाराज। बिहारी जी ने देखा, बिहारी जी ने कहा इसका मतलब धर्म के आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में है मामला। किशोरी जी हाँ महाराज, आज हमारा ऐसा मन है कि हम सब गोपियों के मुंह देखेंगे। तो किशोरी जी ने कहा कि महाराज कल देख लेना। बोले ना आज ही हमारा मन है। बोले कल देख लेना। बोले ना 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 आज ही बहुत मन है। तो इसका उसका घूंघट उठाते 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 आए, और जैसे ही इनका घूंघट उठाया तो गोपी की जगह गोपा बैठे महाराज।
बोले तुम्हें ऐसे आने की क्या जरूरत थी बाबा, बोले अब तुम जान गए थे तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। अरे हमारा कानून था कि कोई मरे मारे जी कोई पुरुष नहीं आ सकता, और बाबा आप आ गए, और सुन लो बाबा अगर आप आ गए हो तो अब देखो हम जाने नहीं देंगे, ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसी नारी भेष में बाबा का अभिषेक कर दिया। गोपी चा ईश्वर चा, ईश्वर चा गोपी चा, जो गोपी है वो ईश्वर है, ईश्वर है तो गोपी है। नाम रख दिया गया गोपेश्वर भगवान की, ये गोपेश्वर हो गए। कभी आप वृंदावन जाइए तो अटल